ये हमने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। ये अच्छे से उबल जाएंगे, गल जाएंगे, उसके बाद हम इसका प्रोसेस शुरू करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये देखें, मैंने चार आलू बॉईल कर लिए थे, ये रखा हुआ है। ये मैंने मैशर से इसको थोड़ा सा इस तरह से इसको कूट लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें बारीक पीसना नहीं है इसको, बस इस तरह से मैशर से हमें इसको मैश कर लेना है। इसको मैश कर लेंगे, सारे आलूओं को हमने मैश कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे हरा मसाला, धनिया, पुदीना, हरे मिर्चे, चाट का मसाला और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, नमक, मिर्च, ग्रीन चिल्ली। ये सारा आपके सामने अभी मैं करके बता रही हूँ। ये देखें, हमने आलू जो आपको दिखाए थे, चार आलू मैश किए, मैश कर लिए हैं, बॉयल कर लिए थे अच्छी तरह, इसको मैश कर लिया है। अब इसमें हम इसमें अपनी चीज़ें मिलाते हैं। ये जो बनेंगे आलू के कबाब, बहुत आसान होते हैं, बस चलते फिरते बन जाते हैं। इसमें हमने थोड़ी सी हमने ब्राउन अनियन शामिल की है। इसको थोड़ा सा हाथ से ऐसे कर लें और ये अच्छी लगती है इसमें। साथ ही हम इसमें डालना शुरू करते हैं अपने मसाले, को ख़ास नहीं है, ब्लैक पेपर है, हाफ क्वार्टर टी स्पून ब्लैक पेपर मैंने डाली है, 1 टीस्पून मैंने डाला है सॉल्ट, ये मेरे पास है चाट का मसाला 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही भुना कुटा ज़ीरा है, ये भी हम इसमें डालेंगे। थोड़ी सी हम लाल मिर्च भी डालेंगे। चार आलू हैं तो मैंने 1/4 टीस्पून इसमें रेड चिल्ली पाउडर डाला है, क्योंकि चाट के मसाले में भी है मिर्च, और फिर हम हरा मसाला जो डालेंगे उसमें भी। ये देखें, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये ग्रीन चिल्ली है, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। ये थोड़ा सा हरा धनिया है और ये पुदीना। ये सब चीज़ें हरा मसाला डालना होता है, आपको पसंद हो तो डालें, नहीं तो ना सही। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है लेमन जूस। ये सब हो गया। इसमें अगर आप चाहें तो कच्ची प्याज भी बारीक काट के डाल सकते हैं, अगर आपको पसंद हो तो आप बेशक ज़रूर डालें। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, ये सब मिक्स होगा, उसके बाद इतनी जल्दी ये कबाब चलते फिरते, जो मैं कहती हूँ ना, खड़े खड़े आप इसमें, आपने उबलने के लिए आलू रख दिए, वो उबल गया, उसको छील के मैश किया और इसमें जल्दी से आपने अपनी पसंद का मसाला, क्या है, कोई ख़ास ना पीसना है ना कुछ करना है, चाट का मसाला आपके पास हमेशा होता है, नमक मिर्च होता है, रेड चिल्ली पाउडर और सॉल्ट होता है घर में आपके पास, हरा मसाला होता है, उसको काट के जो चाहें इसमें डालें। और ये जो मैंने ब्राउन अनियन डाला है, ये भी ज़रूरी नहीं है डालना, आप अगर नहीं डालना चाहें तो ना डालें। अब हम इसको हाथ से मैश कर लेंगे, ये देखें, ताकि ये अच्छी तरह से मसाला इसमें मिक्स हो जाए। ये देखने, आलू का भरता भी इसी तरह बनता है, यही चीज़ें होती हैं, बस उसको इसको इसी तरह से पूरा का पूरा हमें फ्राई करना होता है, बिल्कुल थोड़े से तेल में पकाना पड़ता है। लेकिन कबाब जो हैं वो तो हम ज़ाहिर है बनाएंगे, जितने बड़े आप चाहें बनाएं। ये देखें, मैंने इतना लिया है, आलू गले हुए हैं, सिर्फ उसको कबाब की शेप दें, ये देखें। और ये हमारे कबाब जो हैं वो रेडी होने जा रहे हैं। आप चाहें तो अगर इसमें थोड़ा सा पानी हाथ में लगाएं, बस इसको कस कस के हाथ से दबाएं और इसको कबाब की शेप दे दें, बस इसको कस कस के हाथ से दबाएं और इसको कबाब की शेप दे दें। कोई ख़ास टाइम नहीं लगता है, कोई ख़ास मेहनत नहीं लगती है, शाम की चाय पे बनाएं, मेहमान आ रहे हैं अचानक, फौरन फटाफट आप आलू उबालें, उसमें चीज़ें मिलाएं और कबाब तैयार है। ये देखें, ये हमारे कबाब, हर चीज़ अगर आप खुश होकर और इन्जॉय करके बनाएं तो आपको इतना मज़ा आएगा कुकिंग करने में, इस्पेशली जो नए बच्चे शुरू करते हैं काम, लड़कियां घर में सिखाया जाता है, उनको शौक़ नहीं होता है, उनमें शौक़ पैदा करना पड़ता है, तो आप भी ख़ुद इन्जॉय करें, तभी आप सिखाने वालों को भी
इंजॉय करवा सकेंगे। देखें जो शेप चाहें आप बनाएं, इसकी इसकी भी शेप बना सकते हैं। अगर आपको ऐसी शेप नहीं पसंद है, आप ट्राइंगल में बना लें, स्क्वायर में बना लें, शेप बनाएं तो और ज़्यादा आपको अच्छा लगे। मगर मुझे ये पसंद है, क्योंकि हम फ़िलहाल पहली दफ़ा आपको कबाब बता रहे हैं, तो कबाब की शक्ल के ही ये बनेंगे। ये देखें मैंने थोड़े से बनाए हैं, आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ फ्रीज़ करें। और आलू ख़ास तौर से मैं नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैं मशवरा भी नहीं देती हूँ। लोग करते हैं बेशक, क्योंकि उसके बाद फिर, क्योंकि इस पे टाइम नहीं लगता ना, फ़ौरन तो बनते हैं। सिर्फ आलू उबलने का टाइम होता है, आप उबलने के लिए रखें, उसके बीच में आप कुछ और काम करते रहें, अपनी एक्टिविटीज़ जारी रखें। अगर बिज़ी हैं, कुछ और काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, कोई और डिश बन रही है, या इसी का हरा मसाला काटना है, इतना टाइम मिल जाता है आलू उबलने में कि आप बाकी काम खुद ही कर सकते हैं उसी टाइम में। कोई स्पेशल आपको अलग से मेहनत नहीं करना, ना कुछ पीसना है, ना कुछ करना है। आलू भी इस हद तक उबाल लें कि वो मैश करने में आपको आसानी हो। ये देखें हमारे कबाब, ये देखें हमारे सब कबाब रेडी हो चुके हैं। बस इसको फ्राई करना है। आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख दें, शाम को अगर आपको कबाब तैयार करना है तो फ्राई करने के लिए शाम के लिए रख सकते हैं। ये देखिए ये हमारे कबाब तैयार हैं, और इसको हम फ्राई करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। चलें हमारे कबाब तैयार हैं, रेडी हैं फ्राई होने के लिए। तो ये हमने फ्राई पैन में बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल डाला है, आप देख सकते हैं। आप कोई भी जो आपके यहाँ यूज़ होता है आप वो डाल सकते हैं। तो हम इसमें शुरू करते हैं, अपने कबाब डालते हैं इसमें। ये देखें आपके सामने बनाए हैं, सब मसाला डाला है। कितना आसान होता है आलू के कबाब, सबसे ज़्यादा आसान होते हैं बनाना और मज़े के होते हैं। चाय के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं, वैसे किसी कोई आ गया हो मेहमान उसके लिए तैयार करना हो तो भी, ये सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि मज़े का मज़ा, चटपटे चटपटा जितना चाहें आप बना लें। ये देखें हमने बहुत ही कम इसमें वो डाला है, ऑयल जो है बहुत कम डाला है मैंने इसमें, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। और आप लोग भी चाहें तो कम डालें, ज़्यादा डालें, ज़्यादा डालेंगे तो सेहत के लिए ठीक नहीं होता है, लेकिन अपनी अपनी पसंद की बात है। अगर आप लोग पसंद करते हैं तो ठीक है। और यहाँ पर ये पकना शुरू हो चुके हैं, बहुत तेज़ फ्लेम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल धीमे धीमे पकें। वैसे तो गले हुए हैं, लेकिन उसके नीचे एक लेयर सी बन जाती है, ब्राउन सी, जो कबाब का ख़ास शान होती है कबाब की, कि वो नीचे से ब्राउन हो, जले हुए ना हो, लाइट ब्राउन हो, और अंदर से भी पूरी तरह। अगर कोई कसर बॉयल होने में रह गई है तो ये धीमे धीमे पकने में बहुत अच्छी तरह से अंदर से भी गल जाएंगे। और ये देखें हरा मसाला दिल खोल के डालें उसके हिसाब से। मैंने 4 मीडियम साइज के आलू जो आपको दिखाए थे मैंने बॉयल किए थे, उसके मैंने ये बनाए हैं कबाब। आप अगर ज़्यादा के बना रहे हैं तो उसी क्वांटिटी के हिसाब से आप हर चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाएंगे। चाट का मसाला है और नमक मिर्च तो खैर अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालें, हरा मसाला ज़रूर इसमें डालना चाहिए, उससे भी टेस्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर हमने अपने कबाब जो हैं वो तो जी हमने ये कबाब जो हैं वो टर्न कर दिए हैं। जब आपको लगे एक तरफ से हो चुके हैं तो फिर इसको पलट दें, दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह हो जाएंगे। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बहुत अच्छी तरह से कलर आ गया है एक साइड पर, और ये दूसरी तरफ से भी हो जाएं हो जाएंगे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी देखें मज़ेदार से कबाब तैयार हैं।
साथ में थोड़ी सी सैलेड रखी है, सैलेड तो ज़रूरी होती है, बड़ा मज़ा आता है खाने में। कबाब तैयार हैं, इसको प्लीज़ ज़रूर बनाएं। बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है, आप इसको बनाएं। मगर एक शर्त मेरी यही होती है हर दफ़ा कि आप इसको जो चीज़ भी मेरी बताई बनाएं उसको इंजॉय करके बनाएं, इंजॉय करें, बिस्मिल्लाह करें, इंजॉय करें, तो इसमें उसका टेस्ट भी आ जाता है। आप जो सोचेंगे, जो वाइब्स आप भेजेंगे अपने खानों को, उसका असर, उसका जायके पे असर ज़रूर होता है। आप चेक करके देख लें, ट्राई करके देख लें, इसका असर ज़रूर आएगा। आप जो चीज़ खुश होके, बहुत ही इत्मीनान से खुश होके बनाएंगे, उसका असर होगा, बहुत मज़े की का बनेगा और आपको टाइम का पता नहीं चलेगा। ये तो वैसे भी इतनी आसान रेसिपी है, मैंने आपको बताया है कि बहुत जल्दी बनता है ये कबाब, बनते हैं हर मौके पे कबाब हमारा साथ देते हैं, बेचारे आलू हमारा साथ देते हैं। तो ये बना के भी रख सकती हैं आप, सुबह बनाएं, शाम को कोई पार्टी हो या मेहमान आ रहे हो या आपका दिल चाह रहा हो कुछ चटपटा सा खाने का, तो आप इसको बनाएं, देखें कितना आसान तरीका था। साथ में थोड़ी सी सैलेड खाएं और डिनर के वक्त भी खा सकते हैं आप, खाली कबाब खाएं, सैलेड खाएं, और हेल्दी खाना होता है। तो चलें, इजाज़त दें, फिर किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ आपसे शेयर करूंगी। ऐसी आसान डिशें लेकर मैं आती हूँ हमेशा आपके सामने। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी हौसला अफज़ाई करें। तो इंशाल्लाह मैं और रेसिपीज़ भी आपको आसान तरीन रेसिपीज़ बताऊँगी। चलिए, अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।